मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं एक कोचिंग संस्थान जो कि पटना में काफ़ी प्रसिद्ध है उसको रन करता हूं। तो मैं काफ़ी सालों से पटना में रह रहा हूं और मेरी इच्छा थी कि यहां पर एक रहने के लिए बहुत बढ़िया सा जगह हमें मिल सके। काफ़ी दिनों से मैं एक फ्लैट बुक करवाना चाह रहा था, तो 2019 में एक हमारे ही फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि एक्वा सिटी में जा कर के देखिए, वहाँ पर बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बन रहा है और लोकेशन भी उसका बहुत बढ़िया है। तो मार्च 2019 की बात है, मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आया था और पहली बार ही जब मैं यहाँ पर आया तो लोकेशन सबसे पहले जो मुझे पसंद आया वो लोकेशन, शहर के भीड़ भाड़ से एकदम बिल्कुल दूर, बिल्कुल पोल्यूशन से फ्री और ऐसा एक एनवायरनमेंट मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था। तो एक्वा सिटी एक ऐसा जगह पर बना है जहाँ पर कि शहर के कोलाहल से थोड़ा दूर है, पॉल्यूशन ना के बराबर यहाँ पर है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो ये लोकेशन सबसे पहले जो मुझे पसंद आया वो इसका लोकेशन। और उसके बाद फिर मैं जब एक्वा सिटी में आया उस समय काफ़ी शुरुआत का दौर था, बनना शुरू ही हुआ था, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय थे उनसे मिलना हुआ, बड़े बढ़िया से उन्होंने मेरा स्वागत किया, उनका व्यवहार जो था बहुत ही अच्छा था, तो वो भी चीज़ जो है मुझे इम्पैक्ट की, बड़े अच्छे लोग थे। तो उनका प्रोजेक्ट मैंने देखा तो प्रोजेक्ट भी मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब 1.5 किलोमीटर के एरिया में आपको हर चीज़ मिल रहा है, सारी एमिनिटीज़, स्कूल भी है, स्विमिंग पूल भी है, घूमने के लिए बहुत बड़ा लॉन भी है, यानी 60-70% ओपन स्पेस है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, रहने के लिए इससे स्पेस बेहतर नहीं हो सकता। और जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग बताया कि ये जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और जो रहने का जगह होगा, जो लोकेशन होगा वो किस तरह से, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लगा कि ये वर्ल्ड क्लास सिटी एक ही जगह ये निर्मित करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आई वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई दिस प्रोजेक्ट, जो कि लग रहा था कि वर्ल्ड क्लास का, और पटना में तो ऐसा मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, इवन पूरे इंडिया में नोएडा वगैरह जगह में मैं यहाँ देखता था कि इस तरह के जो कॉन्सेप्ट थे वो चल रहा था कि हर चीज़ जो है उसके बाहर आपको जाना ना पड़े। तो ये पटना में ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार था। तो मैंने सोचा, अपनी वाइफ के साथ मैं था, कि यहाँ पर एक फ्लैट तो मैं ज़रूर बुक करवाऊँगा। तो मैंने एम्प्लॉय से कहा कि मैं आऊँगा कल और फिर बुक करवाऊँगा। तो अगले ही दिन मैं वहाँ पर आया, बुक करवाया और फिर जो यहाँ से सेवा मिली मुझे वो रियली में अनप्रेसिडेंटेड है। और यहाँ के एम्प्लॉय बहुत ही अच्छे हैं, हर तरह की जो चीज़ें हैं बहुत, कभी भी मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हर चीज़ में। और अभी तो पूरा का पूरा जब मैं यहाँ पर आया हूँ, आज काफ़ी लगता है कितने साल, 2 साल 2.5 साल के बाद आया हूँ, लगभग ये सिटी जो है ऑलमोस्ट इसका जो बेसिक वो तैयार होकर के खड़ा है। इन्होंने कहा था कि इतने सालों में यहाँ तक बनेगा, इतने सालों में कंप्लीट होगा, तो मुझे लगता है कि जो टाइम इन्होंने दिया था उससे पहले ये कंप्लीट करके दे देंगे। तो भाई आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड। मैं तो सजेस्ट करूँगा जो भी यहाँ पर आते हैं वो ज़रूर इस एक्वा सिटी में आकर के आप देखें, हो सकता है कि यहाँ पर आपका ड्रीम घर जो हो वो आपका वेट कर रहा हो। तो बेस्ट ऑफ लक जो भी होम बायर्स हैं, प्लीज़ एक बार यहाँ आएँ और ज़रूर यहाँ का अनुभव लें। थैंक यू वेरी मच।